अस्सलामुअलैकुम एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अच्छा भाई, आज हम मॉन्स्टेरा डिलिशियोसा की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि भाई इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप लोगों में से बहुत सारों ने यस का जवाब दिया है। और अगर आपने इंस्टाग्राम अभी तक मेरा फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, और डेली अपडेट्स वहाँ पर जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मॉन्स्टेरा डिलिशियोसा को रिपोर्ट करने का एक तो ये रीज़न है कि वो एक जब से भी मैं लेकर आया हूँ, 2 साल 2.5 साल हो गए हैं उसको, वो उसी एक पॉट के अंदर मौजूद है। और अब वो टोटली रूट बाउंड हो चुका है, उसकी रूट्स जो है वो अब बाहर निकलकर जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। और जो उसका लीफ, जो भी न्यू लीफ अब ग्रो हो रहा है, उसका साइज़ छोटा से छोटा होता जा रहा है। तो एक तो ये रीज़न है रूट बाउंड का, दूसरा उसका जो लीफ का साइज़ है, रूट्स ग्रो ना होने की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको ना मिलने की वजह से जो है वो छोटा लीफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए आज हम जो है वो इसको रिपोर्ट करेंगे। और दिखाता हूँ आपको कि इसमें जो 2 प्लांट्स मौजूद हैं, एक को हम जो है वो ग्राउंड में, ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे अपने ट्रॉपिकल रीजन में, और दूसरा जो है वो हम पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे ये सारा काम होता है, तो चलें देखते हैं। अच्छा जी, इस पॉट को नीचे उतार कर रखना जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये शुरू से इसी पॉट के अंदर है और ये बहुत ज़्यादा हैवी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्लांट का साइज़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, 2 प्लांट इसके अंदर मौजूद हैं, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आगे निकल चुके थे। तो इसीलिए मैंने इस पॉट की कुर्बानी देना मुनासिब समझा है, क्योंकि ये आसानी से निकलने वाला नहीं था। जो इसका आप रूट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टाइटली बाउंड हो चुका था इस पॉट के अंदर, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से जो है वो ये इसके अंदर ग्रो कर रहा था ये। और इसका रूट का जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देखें, ये पूरा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो ग्रोथ हो चुकी है। और इस सॉइल को सेपरेट करने की जो मेरी प्रैक्टिस है वो ये होती है कि मैं इस सॉइल को जो है वो पानी से इस तरह से जो है वो वॉश करके निकाल देता हूँ, ताकि सॉइल को सेपरेट करते हुए रूट्स डैमेज ना हो। तो इसीलिए पानी की मदद से जो है वो ये जो हम पानी का प्रेशर से जो है वो सॉइल को सेपरेट करते हैं, ताकि रूट्स जो है वो हमारी सामने आती जाए और हम उसको इजीली जो है वो प्लांट्स को सेपरेट भी कर सकें। अब यहाँ पर इसका सारा का सारा रूट का स्ट्रक्चर जो है सामने है, और बड़े मज़े की बात देखें कि ये किसी ज़माने के अंदर एक छोटी सी कटिंग होगी जो अब एक पूरा मैच्योर प्लांट बन चुका है माशाल्लाह से। और ये दूसरा प्लांट भी अगर आप देखें तो ये भी कटिंग है, छोटी सी कटिंग होगी और किसी ज़माने में, और जो अब माशाल्लाह पता नहीं, आई डोंट नो कितने साल बाद जो है वो ये जाकर एक पूरा मैच्योर प्लांट बन चुका है। तो अब एक को जो है वो हमने ज़मीन के अंदर शिफ्ट करना है, ग्राउंड में शिफ्ट करना है, तो इसीलिए हमने उसकी जो है वो जगह बना ली। और ये आप जो है वो मेरी ट्रॉपिकल रीजन वाले वीडियो के अंदर भी जो है वो ये क्लिप्स देख चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक हम इसके अंदर जो है वो सेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इसकी कटिंग वगैरह और जो रूट्स वगैरह हमने इसको अच्छे से सेट करके ऊपर से सॉइल जो है वो डाल दी है। और ये सिंपल पॉटिंग सॉइल है, कोई स्पेशल सॉइल नहीं है फिलहाल। और इसको यहाँ पर जो नीचे के इसके जो लीफ थे वो, क्योंकि बिल्कुल जो है वो नीचे लग रहे थे और ख़राब हो रहे थे, तो इसीलिए हमने इसको भी सेपरेट कर दिया। अच्छा जी, जो दूसरा प्लांट है जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था, उसको हमने इस प्लास्टिक पॉट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देना है। और इसकी आप रूट्स देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रूट स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है इसका, और इसकी एरियल रूट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हमने इसकी जो है वो सेटिंग बनाकर इसके अंदर सिंपल पॉटिंग सॉइल ऐड करनी है। सिंपल पॉटिंग सॉइल ऐड करने का और दिखाने का मकसद सिंपल सा ये है कि आप जो देखने वाले हैं उनको मैं दिखा सकूं कि आप सिंपल आसान काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, बट ये है कि जो इसका दूसरा सॉइल मिक्सचर होता है वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे पास अब ये पूरा एक पॉट मौजूद है मॉन्स्टेरा का, एक इसके अंदर हमने लगा दिया है और एक जो है वो हमारे यहाँ पर पीछे मौजूद है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।